आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हॉपर मशीन है, ये हमारी हॉपर मशीन है। okay. इसमें हम ये रॉ मटेरियल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। अच्छा, प्लास्टिक एक पूरी तरीके से बैंड आइटम है। तो आप समझिए कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप एनवायरमेंट को ही बचा रहे हैं, और जो एनिमल्स, कुछ लोग जो पॉलिथीन खा लेते थे वो बीमार हो रहे थे, उस चीज को भी आप बचाने का काम कर रहे हैं। वो प्रॉफिट मार्जिन आपका पर डे के हिसाब से आपका 50 to 60,000 वो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आएगा। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स और सब्सिडी और बैंक लोन के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के बिजनेस को करें। ये रोल ऐसे बन जाएगा, ये सारे रोल हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे ये सारे रोल। ठीक है, 80 to 90% आपको भाई बैंक से लोन भी मिलेगा, और जितना प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 35% आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। कटिंग सीलिंग मशीन जो है फुल्ली कंप्यूटराइज मशीन है, आप जितने बंच तक का बैग इसमें बना सकते हैं, और इससे काउंटिंग भी हो सकती है। ठीक है, 5 to 10 to 15 to 20 जितने बंच बनेंगे वो सारे काउंट होकर ही निकलेंगे। सही है, 7 to 1200 तक भी बैग आप बंच करके निकाल सकते हैं। 1200 एक साथ में बंच हो जाएगा, 1200 एक साथ में बंच हो जाएगा सर। दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर हूँ, जहाँ पे एक कंपनी में मैं आया हुआ हूँ जो एक बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स बनाती हैं। अगर आपको कैरी बैग्स बनाने का कोई प्रोजेक्ट आपने लगाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ों की हम आज जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। मेरे साथ में अभी माही जी हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं। मैम प्लीज़ थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। मैम नमस्कार, मेरा नाम माही थापा है, हम मशीन वर्ल्ड कंपनी फ्रॉम कोलकाता से आए हैं यहाँ पे, और दिल्ली एक्सपो, दिल्ली एग्जीबिशन के लिए, दिल्ली एक्सपो जो प्रगति मैदान में जो लगा हुआ है, हम कोलकाता से आए, और मेरी कंपनी का एड्रेस है मशीन वर्ल्ड कंपनी कोलकाता चाइना टाउन नियर चाइनीज काली मंदिर। ये कितने टाइम से मैम आप लोग ये मतलब इस बिजनेस में है, ये जो मशीन हम ये जो बिजनेस बना कर रहे हैं, ये जो मशीनों की हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम पिछले लास्ट 5 years से कर रहे हैं। अच्छा, तो मैम ये जो कैरी बैग जैसे आप बना रहे हैं तो ये इस पे कोई भी बैन नहीं है किसी भी तरीके? नहीं है सर, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हाँ, उनकी तरफ से प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। अच्छा, प्लास्टिक एक पूरी तरीके से बैंड आइटम है। तो इसमें मैम ये जैसे इसी को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, हाँ, है ना, तो हाँ, मतलब ये कंपोस्ट हो सकता है, ये कंपोस्टेबल प्रोडक्ट है, कंपोस्टेबल प्रोडक्ट है, जो पॉलिथीन जो जैसे एक पॉलिथीन को खत्म होने में सालों साल लग जाती है, पॉलिथीन कभी खत्म नहीं होती, उसके मुकाबले अगर ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को यूज किया जाए तो ये पूरी तरीके से कंपोस्ट हो जाती है, एनवायरमेंट के साथ में पूरी मिक्सअप हो जाता है। और यही रीजन है कि आज की डेट में ये जो बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस में एंटर करते हैं कोई भी, तो आपको बड़ा प्रॉफिटेबल और एनवायरमेंट सेफ, मतलब आप समझिए कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप एनवायरमेंट को ही बचा रहे हैं, और जो एनिमल्स, कुछ लोग जो पॉलिथीन खा लेते थे वो बीमार हो रहे थे, उस चीज को भी आप बचाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस है, बिजनेस को भी बहुत अच्छा, मतलब आप प्रॉफिटेबल बिजनेस इसको कर सकते हो। अच्छा मैम, अब बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है, वो थोड़ा सा प्रोसेस समझना है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स और सब्सिडी और बैंक लोन के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के बिजनेस को करें, और लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए बहुत सारी सब्सिडीज का भी ऑप्शन रखा हुआ है। वो कितनी सब्सिडीज है मैम, वो हम आप बताएंगे अभी, आप बाद में बात करें इसके बारे में। हम आपको बता रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट में प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दी गई। जी जी जी। बैन करने के बाद में प्लास्टिक की जो सब्स्टिट्यूट होती है वो बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल बैग मेकिंग मशीन है। जी जी। इस मशीन को लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको 30 to 35% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 30 to 35%? हाँ जी सर, 30 to 35% मिल जाएगी वुमेन्स के लिए, और 35% एक्स्ट्रा भी मिलेगी। अच्छा, और मैम ये जो प्रोजेक्ट अगर लगाने में जैसे थोड़ा कॉस्टली तो होगा ही है, लेकिन इसको लगाने के लिए कितना परसेंट बैंक से फंडिंग हो सकता है? मैक्सिमम आपका 80 to 90% आपको फंडिंग मिल जाएगा बैंक की तरफ से। देखो 80 to 90%, 80 to 90% आपको भाई बैंक से लोन भी मिलेगा, और जितना प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 35% आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं मैम, एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये बनता कैसे है, कितनी थिकनेस इसकी बना सकते हैं आपकी मशीन्स वगैरह, तो चलिए हम थोड़े मशीन्स के बारे में आपको दिखाइए मैम। जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल है। इस प्रकार की प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इस प्रकार की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। okay. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं। हाँ जी। इस प्रकार की रॉ मटेरियल्स है। okay. ये रॉ मटेरियल्स जब हम इस हॉपर वाली मशीन में देते हैं, हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हॉपर मशीन में, ये हमारी हॉपर मशीन है। okay. इसमें हम ये रॉ मटेरियल्स देते हैं, देने के बाद में ये स्क्रू यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इस
थ्रू से आके यहाँ पे डाई आती है। हाँ जी। डाई के माध्यम से ये फिल्म ब्लोन होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ। एक बलून की तरह से ऊपर जा रही है और वो गैजेट मशीन के माध्यम से। हाँ। हमारे जो बैग्स में जो फोल्डिंग आती है। हाँ जी। वो फोल्डिंग आ जाती है उस गैजेट मशीन से। और इस मशीन की ये कंप्रेसर होती है, ये कंप्रेसर है सर, आप देख सकते हैं। उसके बाद में जब ये फिल्म ब्लोन हो जाती है, होने के बाद में आप चाहे तो इसमें प्रिंटिंग मशीन भी लगा सकते हैं। आप देखें सर, यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन अटैच की गई है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि उधर आपने ऊपर में दाना डाल दिया। हाँ, हाँ, वो आपको एक्सट्रूड करके ये ऐसे रोल बनाएगा, फिल्म बनाएगी, फिल्म बनेगी। हाँ। और फिल्म बनके ये वापस उधर जा रही है, ये देखिए। हाँ, हाँ, ये इधर जा रही है। अब उसके बाद में फिर हो रही है। अच्छा, ये फिर आपने रोलर लगा रखे हैं कि जो भी प्रिंटिंग चाहिए, जो भी जिस भी कंपनी के प्रिंट चाहिए, आपको अपनी कंपनी के लोगो लगाने हैं उसके लिए आपको प्रिंटिंग, ये अपने कस्टमर का, आपके कस्टमर का जो भी लोगो रहेगा, कस्टमर होंगे। हाँ जी। कस्टमर की अपनी अपनी प्रिंटिंग लगाने के लिए, लोगो लगाने के लिए इस प्रकार की प्रिंटिंग मशीन आती है। ये रोल ऐसे बन जाएगा, ये सारा रोल हो जाएगा, इस प्रकार से आपके रोल बनेंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ये सारे रोल। ठीक है। अच्छा मैम, इसमें जो है ना, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है पॉलिथीन का, तो इसमें क्या ऑप्शन है मैम चेंज करने के मैं लिए? मैं बता रही हूँ, अगर आपको कलर, जब आपके पॉलिथीन बैग, आपके बायोडिग्रेडेबल बैग की अगर कलर चेंज करनी है, तो आपको इस प्रकार की, देख लें, ये मास्टर बैज बोलते हैं। ओके। ये मास्टर बैज आपकी रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एंड येलो, जिस कलर की आप बैग्स चाहे उस कलर की आप बैग्स बना सकते हैं। ओके। फिर अभी फिर जो मैम, जो वहाँ पे जो रोल तैयार हुआ है, उस रोल तैयार होने के बाद में लास्ट में इसमें, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा बताइए। ये तो हमारी फर्स्ट आपकी एक्सट्रूडर मशीन हो गई, जिसमें दाना टू रोल बनता है। हाँ। इसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस आती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सर, अभी तक हमने आपको बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल के बारे में, जो एक्सट्रूडर मशीन के बारे में बताया, जहाँ से रोल बनती है, वही रोल बनने के बाद में हमें यहाँ पे कटिंग एंड सीलिंग मशीन में अटैच करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से रोल को अटैच की जाई है। अटैच करने के बाद में कटिंग मशीन के माध्यम से बैग को डिफरेंट साइज और डिफरेंट लेंथ के हिसाब से मशीन की सहायता से बैग की कटिंग और सीलिंग होती है। आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे हमारे कटिंग और सीलिंग होकर कुछ फिनिशिंग गुड प्रोडक्ट रेडी हो गए हैं। एक दो पीस उठाइए मैम, दिखाइए थोड़ा सा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कटिंग सीलिंग मशीन की सहायता से हम इस प्रकार के बैग बना सकते हैं, जो सीलिंग पूरी अच्छी तरीके से और हीटिंग से इस बैग को रेडी कराया गया है। अभी इसके बाद फिर क्या रहेगा मैम? इसमें मान लीजिए मुझे एक हैंडल बनाना है पकड़ने के लिए। हाँ, तो वो कैसे होगा? ये जो अब आपकी कटिंग और सीलिंग मशीन से जब ये बैग रेडी हो जाती है, तब हमें इसके बाद में एक थर्ड प्रोसेस, एक पंचिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसमें हमको बैग का हैंडल बनाना पड़ता है। मैडम, ये जैसे जो अभी ये कटिंग भी हो रहा है साथ साथ, तो कटिंग ये काउंटिंग भी करेगा मशीन के? हाँ सर, ये मशीन आपकी फुल्ली कंप्यूटराइज मशीन है। ये कटिंग सीलिंग मशीन जो है फुल्ली कंप्यूटराइज मशीन है। आप जितने बंच तक का बैग इसमें बना सकते हैं, और इससे काउंटिंग भी हो सकती है। ठीक है। 5 टू लेके 10 तक, 15, 20, जितने बंच बनेंगे वो सारे काउंट होकर ही निकलेंगे। सही है। अटैच होने के बाद में वहाँ से जो फिनिशिंग गुड प्रोडक्ट लेकर आए, लाने के बाद में हमें इस पंचिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। इसी पंचिंग मशीन की सहायता से हम बैग के हैंडल्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं हम इसको किस प्रकार से बैग के हैंडल बना सकते हैं। ये देखिए सर, यहाँ पर डब्ल्यू कट की आपकी डाई लगी हुई है, इसीलिए ये डब्ल्यू कट की आपके बैग्स रेडी हो रहे हैं। Okay. आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप, और एक बंच में आप चाहे तो 1000 से लेके 1200 तक भी बैग आप बंच करके निकाल सकते हैं। 1000-1200 एक साथ में पंच हो जाएगा? 1000-1200 एक साथ में पंच हो जाएगा सर। और इस प्रकार से बैग के हैंडल बनेंगे। जब आप यहाँ के डाई चेंज करेंगे ना, तो वो डी कट हो गया, यू कट हो गया, डब्ल्यू कट, जो भी कट का आप चाहेंगे उस प्रकार से बैग के हैंडल्स बना सकते हैं। अभी हमने आपको बना के तो दिखा दिया कि कैरी बैग्स बनता कैसे है। अभी लेकिन हम ये चीज जान लेते हैं कि भाई कैरी बैग्स में बहुत सारे, जैसे जो दुकान के लिए या क्या क्या तरह के कैरी बैग्स बन सकते हैं, तो मैम जैसे जो गारमेंट इंडस्ट्री वाले हैं, जूते इंडस्ट्री के हैं, शूज इंडस्ट्री के, या फिर और क्या क्या इंडस्ट्री के कैरी बैग्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं इन मशीन? सर, इस वाली मशीन में ये सारे हमारे जितने भी मशीन है, इसमें ऑल टाइप ऑफ बैग बना सकते हैं। जैसे आपकी कैरी बैग्स हो गई, गारमेंट्स बैग्स हो गए, गार्बेज बैग हो गए, कैरी बैग्स हो गए छोटे वाले, जो मार्केट में बिकती है सब्जी मंडी वाले बैग, ऑल टाइप ऑफ बैग इसमें बना सकते हैं। और इसमें मैम जो थिकनेस है, जैसे जो इसका जो थिकनेस रहेगा, वो कितने एमएम माइक्रोन से और मैक्सिमम कितने माइक्रोन तक का? मैं बता रहा हूँ सर, आप इसका, ये जो इसका माइक्रोन है, आप 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक भी आप बना सकते हो। किसी भी प्रकार की बैंड नहीं लगाई जाएगी। ओके। अच्छा मैम, फिर जैसे अब इसमें प्लांट लगाने के लिए कितने तरह के मॉडल्स आपके पास अवेलेबल है मैम? हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं, जिसमें हमारा स्टार्टिंग मॉडल हमारा होता है 13,25,000 का, 13.5 लाख रुपए में सबसे छोटा मॉडल जो है वो प्लांट लगेगा। और उस प्लांट की कैपेसिटी क्या रहेगी मैम? उस प्लांट की कैपेसिटी आपकी पर डे आपकी 500 रोल्स तैयार होंगे उसमें। 500 किलो माल उसमें तैयार रोज तैयार हो जाएगा। और उसमें मैम जो प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे कितना, 20% के आसपास तो निकलेगा मैम होलसेल में?
आराम से 20-25% मार्जिन आपका निकलेगा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। पर डे मैम कितना हम बता सकते हैं कि भाई एक दिन में कितना? पर डे में आपका अगर कॉस्टिंग देखा जाए, पर डे का आपका प्रॉफिट देखा जाए तो 10,000 रुपए आपके प्रॉफिट पर डे में निकलता है। मतलब सारा बिजली का खर्चा निकाल दिया, सारे एक्सपेंसेस निकाल दिए, टेक्निकल पर्सन को देकर आपके रूम चार्जेस लेकर सब कुछ लेकर आपका 10,000 रुपए आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है। अच्छा मैम, इसमें चलाने के लिए ज्यादा मैन एक लड़का बहुत है क्या? मतलब सिर्फ एक बंदा ऑपरेट, एक से दो बंदे के अंदर में आपके सारे मशीन चल जाएंगे। ठीक है, और कोई लाइसेंस वगैरह मैम? क्या कुछ लाइसेंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए आपको एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जीएसटी बिल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और सीपीसीपी कंट्रोल बोर्ड से एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है। वो सारी जितनी भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो हमारी कंपनी की तरफ से हम आपको बता देंगे। ठीक है। अच्छा मैम, ये तो हो गया 13.25 लाख का सबसे छोटा प्लांट जो है, फिर उसके बाद और जो प्लांट है उसकी थोड़ी जानकारी। हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, जैसे 13.25 लाख से हमारे जो प्लांट स्टार्ट होते हैं, फिर एक हमारी प्लांट 18 लाख की भी है, 18 लाख से स्टार्ट करके हमारे पास में 23 लाख टू इनटू 35 लाख तक की हमारे पास में मशीनें हैं। ठीक है, जो 35 लाख वाला जो प्लांट है मैम, उसका प्रोडक्शन कितना रहेगा? उसकी प्रोडक्शन आपकी पर डे की कैपेसिटी होगी 2 टन 2000 किलो एक दिन में। हाँ जी। और तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना चला जाएगा? वो प्रॉफिट मार्जिन आपका पर डे के हिसाब से आपका 50-60,000 वो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आएगा। ठीक है, बिकॉज वो सबसे बड़ी वाली मशीन हमारी है। ओके मैम, अगर इस पूरी वीडियो का जो एक निचोड़ में समझूं, लास्ट में अगर कुछ कहना चाहे एक दो लाइनों में वो बताइए मैम। तो सर, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि बिजनेस तो कई लोग स्टार्ट करते हैं बट किसी कारणवश उनका बिजनेस नहीं चल पाता है, ठप पड़ जाता है। लेकिन ये जो बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल का जो बिजनेस है, ये आपका फ्यूचर तक साथ देगा। हाँ। क्योंकि इससे बनी हुई जो प्रोडक्ट है वो फुल कंपोस्टेबल है। हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरी छूट की गई है, किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करें, ये बिजनेस आपको फ्यूचर तक आपका साथ देगा। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। दोस्तों स्क्रीन पे नंबर है और कंपनी की डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको मिली जाएगी, और नो डाउट जैसे मैम ने बहुत सारी चीजें जो है ना चीजें आपको बताई दी हैं। मैं इन शॉर्ट जैसे बिजनेस जो वीडियोस में बनाता हूँ, एक आम भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से मैं कह सकता हूँ भाई कि 13-14 लाख रुपए का अगर आपने प्रोजेक्ट ये सेट करना है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बना के दोगे ना मैम? सर, हमारी कंपनी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगी उस प्रोजेक्ट के ऊपर। बिल्कुल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे भाई, और उसका जैसे मान लीजिए 13-14 लाख का या मान लीजिए 15 लाख का ये एक प्रोजेक्ट बनता है, तो उसका समझो आपके पास 10% होना चाहिए या मान लीजिए 20% होना चाहिए। मतलब 2.5 लाख 3 लाख रुपए भी अगर आपके पास है तो बाकी बैंक आपको फंड कर देगा, और मान लीजिए 15 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसका 35% आपको सब्सिडी वापस मिल भी जाएगी। तो मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है ताकि भाई हम लोग जो चाइना है उसको कहीं ना कहीं कम्पीट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई बिजनेस जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अच्छे से बिजनेस करें और दूसरे लोगों को रोजगार दें जॉब मांगने के बजाय। तो बढ़िया, मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और ऐसे ही बढ़िया से किसी नए बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और अपना प्यार हमारे चैनल को ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।